चिकन करी के रेसिपीज तो बहुत सारे हैं, बट अगर आप मुझसे पूछो तो माय फेवरेट इज द होम स्टाइल चिकन करी। बट उसके साथ ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो लगता तो बहुत टेस्टी है लेकिन दिखने में ना एपेटाइजिंग नहीं लगता, मज़ा नहीं आता है। सो डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने होम स्टाइल चिकन करी की रेसिपी, जो कि बहुत सिंपल स्टेप्स में बनेगी एंड विद इन 40 to 45 मिनट्स यू विल बी डन। लेट्स बिगिन। इसके लिए हमें चाहिए मैगी भुना मसाला ग्रेवी, सिनेमन, कार्डमम, क्लोव्स, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कुरियंडर पाउडर, चिकन, सम सॉल्ट, बीटन योगर्ट, कुरियंडर लीव्स फॉर गार्निश। इस चिकन करी को हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, गैस ऑन कर लेते हैं और अब इसमें जाएगा मैगी भुना मसाला। डायरेक्टली जाएगा प्रेशर कुकर में, नो नीड टू एड एनी ऑयल, इसको हम इसी के ऑयल में पकाएंगे। इसको थोड़ा सॉटे कर लेते हैं। ये भुना मसाला ना चिकन करी के लिए ही बना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुक टमेटोज, अनियन, गार्लिक और बाकी जितनी चीज़ें इस करी के लिए चाहिए वो सब कुछ है, तो बहुत टाइम बच जाता है। एंड इस करी का जो मैजिक है ना, जो ये चिकन करी को देने वाला है, दैट यू आर गोइंग टू सी बट इन दी एंड, सो वेट फॉर इट। इसमें अब डालेंगे होल स्पाइसेस, वील बिगिन विथ सिनेमन, कार्डमम 2 to 3 पॉट्स एंड सम क्लोव्स। इसको थोड़ा सॉटे कर लेते हैं। क्या खुशबू आ रही है स्पाइसेस की। इसको थोड़ा और टेम्पटिंग बनाते हैं कुछ और स्पाइसेस डाल के, कुरियंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। इसको भी भून लेंगे। ये अच्छा तैयार हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ चिकन। ये तो मजा है घर में चिकन करी बनाने का, ये जो आवाज आ रही है, ये सिजल। अच्छे से भूनना है एटलीस्ट फॉर गुड 5 to 10 मिनट्स। इसे एकदम धीमी आंच यानी कि स्लो कुकिंग वो करना है, ताकि चिकन को इनफ टाइम मिल जाए सारे स्पाइसेस को अब्सॉर्ब करने के लिए एंड इट बिकम्स नाइस एंड कुक्ड। अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। भुना मसाला में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो आप अपने स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करें। और अब इसके अंदर जाएगा फेटा हुआ दही। दही डालते ही ना आप देखोगे कि क्या एक कलर आने वाला है। इसको फटाफट चलाएंगे। सी, यू कैन ऑलरेडी सी कि मैं आपसे क्या बोल रही थी, कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि कुछ मज़ेदार बन रहा है। इस पर ऐड करेंगे पानी। That's it. थोड़ा मिक्स कर लो पानी डाल के। तो पहले इसको हाई हीट पे एक विसल देंगे और फिर लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे। That's how fast it's gonna be. It's ready. Look at this. The color, कंसिस्टेंसी, और वो जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एपेटाइजिंग नहीं लगता, इससे कौन मना कर सकता है। दिस लुक्स सो गुड। अब इसको ना टेस्ट करने की बारी है, ताकि पता चले कि टेस्ट में कैसा बना है। और चिकन भी एकदम परफेक्टली गल गया है। एकदम ही परफेक्ट है, डिलिशियस है, टेस्टी है, और जो फ्लेवर्स है एकदम चिकन के अंदर तक पहुंच गए, दे हैव गॉन राइट इन, सो दिस इज एक्सट्रीमली गुड। आई वांट टू कंटिन्यू ईटिंग, बट मैं आपको एक हेल्थ टिप बता देती हूँ कि अगर आपको इसको थोड़ा और हेल्दी बनाना है तो आप क्या कर सकते हो। यू कैन मैरिनेट द चिकन विथ सम बीटन योगर्ट एंड द मैगी भुना मसाला, फिर आप उसको एयर फ्राई में पका सकते हो विदाउट एनी ऑयल, एंड यू कैन ऑल्सो सर्व इट विद वेजीज एज टिक्का। इसको अभी करते हैं प्लेट। You can have a large bowl of this chicken curry with rice, roti and some nice green leafy salad.
Some fresh coriander. Done. Home style chicken curry. Now let's do a quick recap. In a pressure cooker, put Maggi Bhuna Masala and fry for a minute. Add whole spices and continue to saute for 2 minutes. Add coriander powder, turmeric powder, red chili powder and fry for another 2 minutes. Add chicken pieces, saute for 5 to 10 minutes. Add beaten dahi and mix well. Add water and cook on high flame till first whistle. Then cook for 5 minutes on low flame. Garnish with coriander leaves. Serve hot. If you want to make a Malabar twist, then check out the link in the description box below.